बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का डीके अर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज किस वीडियो के अंदर GSA एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, मेरे पास बहुत सारे यूजर्स के ऑप्शन आते रहते हैं कि सर क्या GSA एप्लीकेशन के अंदर अभी हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो एप्लीकेशन है अभी मार्केट के अंदर कितने दिन चल सकता है। सो गाइज, आज किस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों GSA एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे यूज़र जिन्होंने हजारों में यहां पर है इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत सारे ऐसे भी यूजर है जिसमें GSA एप्लीकेशन के जो पैसा है वो रुका हुआ है, उनके अकाउंट में क्रेडिट है वो नहीं हो पा रहा है। तो आज किस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो उन यूजर के बारे में बात करेंगे जो अभी GSA एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंड कुछ जो यूजर्स है, जो लीडर्स है, उनको लगता है कि GSA एप्लीकेशन लंबा चल सकता है, तो पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे GSA हो, चाहे मोर कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करता है तो जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च होता है उसी दिन इन्वेस्टमेंट है सो करना चाहिए। अभी दोस्तों बात करें GSA एप्लीकेशन के बारे में, तो दोस्तों GSA एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे यूजर बोलते रहते हैं कि सर हमारी जो ID है वो ब्लॉक कर दी गई है हाई रिचार्ज करने की वजह से, एंड बहुत सारे ऐसे भी यूजर है जिनका पेमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ लोगों का पेमेंट भी आ रहा है, एप्लीकेशन अच्छा वर्किंग भी कर रहा है, और बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं एप्लीकेशन मार्केट के अंदर लंबा चलेगा। तो अभी दोस्तों इसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आगे भविष्य में ये एप्लीकेशन लंबा चल सकता है या नहीं चल सकता, तो दोस्तों अभी के टाइम पर अगर आप GSA एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका यहां पर पैसा है वो डूब सकता है। क्योंकि दोस्तों GSA एप्लीकेशन काफी पहले भी काफी हद तक लॉन्ग चल चुका है, और जिसने यहाँ पर शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया उन यूज़र का काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी दे चुका है, रिटर्न भी दे चुका है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर दोस्तों हमें ऐसे एप्लीकेशन के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो ऑलरेडी ओल्ड हो चुके हैं। कोई भी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करें तो जिस दिन एप्लीकेशन की लॉन्चिंग होती है उसी दिन ही इन्वेस्टमेंट करना लेना चाहिए, ताकि दोस्तों हमें अच्छा खासा सो है प्रॉफिट हो सके। तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर GSA एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो किस में करें, और GSA एप्लीकेशन कितने दिन मार्केट के अंदर और चल सकता है। तो दोस्तों GSA एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे हाई प्लान है कंपनी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, तो अभी GSA एप्लीकेशन नहीं चलने वाला है। लास्ट 10 डे के अंदर अंदर GSA एप्लीकेशन है सो मार्केट से भागने वाला है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर दोस्तों GSA एप्लीकेशन में कोई भी बाय इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर दोस्तों अभी के टाइम पर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो एक बढ़िया सा एप्लीकेशन है सो सजेशन कर देता हूँ।